झारखंड के प्रतिभावान खिलाड़ियों को एक बेहतर माहौल देने एवं उनके समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने एक नई पहल की है, जिसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने www.sports.jharkhand.gov.in वेबसाइट एवं झारखंड स्पोर्ट्स पर्संस रजिस्ट्रेशन पोर्टल को लॉन्च किया। इसके जरिए राज्य के खिलाड़ी खुद को रजिस्टर कर सरकार से अपनी जानकारियां साझा कर सकते हैं। इससे सरकार राज्य के खिलाड़ियों का एक डेटाबेस तैयार करेगी और इस पोर्टल से मिली जानकारियों के आधार पर सरकार खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों तक मदद और सुविधाएं पहुंचाएंगी। लिखते हैं sports.jharkhand.in। तुमको सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो भी पोर्टल ओपन होगा वही हमारा झारखंड स्पोर्ट्स का है, उसमें जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। चलिए ओपन हो गई है, अब देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको डेस्कटॉप मोड में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हम मोबाइल वर्जन पर ओपन किए थे। अब डेस्कटॉप मोड पर इसको जाके डेस्कटॉप साइड क्लिक करते हैं। अब हमारा डेस्कटॉप साइड में ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं झारखंड सरकार का लोगो भी है, साथ में आप स्पोर्ट्स का देखिए जो भी पिक है। ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कम मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स झारखंड, इन सब की डिटेल है। इसमें आने के बाद आपको एक कुछ नोटिस भी रहेगा, कोई टेंडर आती है तो टेंडर का भी प्रोसेस रहेगा, न्यूज़ एंड इवेंट का भी रहेगा। तो आपको यहाँ पे देखिए अप्लाई करने का 3 दिया गया है, सॉरी 4 है। ये अप्लाई करने के लिए 4 दिया, अप्लाई फॉर स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप जो को अप्लाई नहीं करना, ये केस प्राइज के लिए है, केस प्राइज फॉर प्लेयर। आपको मेन इंपॉर्टेंट अभी है एप्लीकेशन फॉर स्पोर्ट्स पोर्टल, इसमें जाके आपको अप्लाई नाउ करना है। फिर जो ओपन होगा, ओपन होने के बाद आपको इस तरह कुछ देखने को मिलेगा, एक लोगो होगा साइड में, लॉगिन है, रजिस्ट्रेशन होगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आप देख सकते हैं अभी तक 789 लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो आप एक न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, आपको जाके रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आपको देखिए एडमिन लॉगिन नहीं करना, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्लिक कर देना। आपको क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा, आपको एक OTP मांगा जाएगा आपके मोबाइल नंबर में। तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डायल करके वेरिफिकेशन कर लीजिएगा, एक OTP आएगी। हमने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, अब इसमें हमको OTP सेंड करना है। गेट OTP, देखिए हमारा OTP भी आ चुका है। OTP पुट करना है, फिर रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर देना। फिर आपको इस तरह को देखने को मिलेगा, बेसिक्स डिटेल है आपका जो आपको फुलफिल करना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, फादर्स नेम, जेंडर क्या है, कैटेगरी क्या है, ईमेल क्या है, आधार नंबर क्या देना है आपको, सॉरी आपका अपना फ़ोटो भी अपलोड करना है। फिर देन में आ जाता है, फिर आपको एड्रेस डिटेल पे परमानेंट एड्रेस क्या है, कौन सा ब्लॉक पड़ेगा आपका, पिन कोड क्या है, ये सब आपको जो भी स्टार मार्क दिख रहा है आपको रेड कलर में मैंडेटरी है, इसको आप कंपल्सरी आपको फिल करना है। देन फिर आपका आ गया कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, जो सेम है तो सेम कर दीजिएगा। फिर पर्सनल डिटेल्स है, इसमें आपको एस्पोर्ट्स देना है, जैसे आप आ गए तो शुरू से देखते हैं आपको। जैसे आपको एड्रेस में भी करना है, जैसे कि देखते हैं हम जहाँ से हैं, हम बोकारो ब्लॉक चंदन क्यारी वार्ड पंचायत जो भी आपका अपना आप उसमें फिल कीजिएगा। यहाँ लेस इस तरह पूरा फिल कीजिए ना, पिन नंबर देना आपको अपना अपना जो भी है।
आपको एड्रेस वड्रेस फिल होने के बाद आप प्रोफेशनल किस चीज़ में, किन से स्पोर्ट्स कैटेगरी में खेलते हैं आप, साथ ही लेवल कैटेगरी क्या है, लेवल जैसे आपका स्टेट है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, आप इसको तीन ही लेवल का दिया हुआ है, स्टेट लेवल, नेशनल और इंटरनेशनल। देन आपका है स्पोर्ट कैटेगरी में कौन से स्पोर्ट्स में आता है, आपका गेम का दिया हुआ है, आप उसको सिलेक्ट करना है। देन टूर्नामेंट, टूर्नामेंट में कौन से टूर्नामेंट में आप पार्टिसिपेट किए हैं उसके बारे में आपको डिटेल देना है, कौन सा ईयर में लिए हैं उस ईयर को ही मेंशन करना है, सर्टिफिकेट अपलोड करना आपको, आप अभी करेंट में प्लेयर हैं यस या नो है, आर यू करेंटली एम्प्लॉय आप हैं या नहीं इसको मेंशन करना है, आर यू कोचिंग सेट पे आपको सर्टिफिकेट है कि नहीं ये भी मेंशन करना, देन आपको सबमिट करना है। इन सब यही प्रोसेस है, आपका एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसको आपको सबमिट करना है। देखिए झारखंड अपने स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि आपके लिए जॉब वैकेंसी लेके आती है या फिर ये फिर पेपर वर्क ही रहेगा, तो आप मिस ना करें, आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लें। थैंक यू दोस्तों।